हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का फेस्टिवल मनाया जाता है। दही हांडी का फेस्टिवल सभी प्रांतों में मनाया जाता है, पर महाराष्ट्र की दही हांडी बहुत ही फेमस है, हम सभी जानते हैं। दही हांडी के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है उसे गोपाल काला कहा जाता है। आज हम गोपाल काला ही बनाने वाले हैं। गोपाल काला नाम पर से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तो आइए मैं आज आपको गोपाल काले के इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी और साथ में इससे रिलेटेड स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पर इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। गोपाल काला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, ये मैंने आधा कप चने की दाल को 2 घंटे पानी में भिगो के लिया है, नमक, शक्कर, अदरक को हमें ग्रेट करके लेना है और 2 हरी मिर्च बारीक काट के ली है। ये 100 ग्राम ज्वार की लाई है, जिस तरह मक्के की लाई होती है, पॉपकॉर्न बनते मक्के की लाई से, उस तरह ये ज्वार की लाई है, ऐसी होती है, थोड़ी साइज में छोटी होती है ये ज्वार की लाई। और हरा धनिया हमें लेना है बारीक काटकर। गोपाल काला बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम लाई ली है, ज्वार की लाई है, इसको हमें गुनगुने पानी में भिगोना है। इसके लिए मैंने थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। गोपाल काला के पीछे स्टोरी यह है कि एक बार बालकृष्ण अपने छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में सभी को भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सभी ने अपने साथ कुछ न कुछ खाने के लिए लाया था। तो कृष्ण जी ने सबका खाना एक हांडी में इकट्ठा किया और उसको अच्छी तरह मिक्स किया और सभी बच्चों में बराबर से बांट दिया। तो तभी से ये गोपाल काला इसे कहा जाता है। और काला का मतलब होता है मिक्स करना, सबको मिक्स करने की प्रक्रिया को मराठी में काला कहते हैं और तभी से ये गोपाल काला बहुत ही फेमस है, उसकी प्रथा चली आ रही है। अब ये पानी भी गर्म हो गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम ये गरम पानी लाई में डाल देते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको गरम पानी में भिगो दी है। अब हम थोड़ा पानी इस तरह से दबा के और लाई निकाल लेंगे प्लेट में। ये सारी लाई मैंने पानी में भिगोकर अच्छी तरह से दबाकर पानी सारा निकाल लिया है और तुरंत हमें पानी में से निकाल लेनी है, पानी में भिगो कर रखना नहीं है इसे, तुरंत सारा पानी निचोड़ कर निकाल लेनी है लाई को। अब हमें ये आधा कटोरी चने की दाल है भिगोई हुई, 2 घंटे पानी में भिगो लिया है और उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसको मैं मिक्सर जार में लूंगी और इसे हमें दरदरा क्रश करना है, बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही क्रश करना है। मिक्सर में इसे क्रश कर लेते हैं। इस तरह से ये दाल मैंने थोड़ी कोर्सली ग्राइंड की है, एकदम बारीक नहीं होनी चाहिए, इसका क्रंच बहुत अच्छा आता है दांतों में। अब मैं इसको इसमें मिला देती हूँ। अब हमने लाई को और चने की दाल जो कोर्सली ग्राइंड की है उसे मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें ये अदरक को मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है, इसे इसमें मिक्स कर देते हैं। और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ स्वादानुसार नमक, हम इसमें मिलाएंगे और थोड़ी शक्कर, हमें इसमें दही डालना है इस उस हिसाब से हमें थोड़ी शक्कर भी इसमें मिक्स करनी है। आप अपनी इच्छा अनुसार क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, शक्कर की भी और मिर्च वगैरह अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 कप दही, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत खट्टा दही है तो आप उसका पानी निकाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर दही को फेंट लीजिए। अब ये दही हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम सबको मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये ज्वार की लाई और चने की दाल ली है, बहुत से लोग इसमें पोहे मुरमुरे उसको भी भिगो कर लेते हैं और उसमें बघार भी डालते हैं, पर ये हम बिना बघार का बना रहे हैं। ज्वार की लाई और चने की दाल और साथ में दही, बिना बघार के भी ये गोपाल काला का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है।
आपको भी बहुत पसंद आएगा, एक बार आप इसे जरूर बना के देखिए। ये हमारा गोपाल काला रेडी है। इस दही हांडी पर आप भी जरूर गोपाल काला बनाइए और इस डिफरेंट रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए।